अंधेरा क्यों हो गया है ना? मुझे लगता है यहाँ पे कोई है। यहाँ पे कोई ना कोई तो जरूर है, लेकिन हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आगे जाके। दरवाजा इधर से तो ये खुल गया था दरवाजा। वो ये क्या था? ये कौन था? ये कौन था? मुझे लगता है हीरो ब्राइन तो नहीं। यार मुझे लगता है ये कैसल हीरो ब्राइन का, तभी यहाँ पे लोग आके खुद ब खुद ही घूम जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम कर रहे हैं आपको दाऊद साउथ गेमिंग चैनल में। तो आज हम फिर से एक हॉरर सा मैप खेलने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो जी हाँ, यहाँ पे हम आ चुके हैं एक रूम के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट्स, पहले क्रेडिट्स देख लेते हैं। ये मैप किसने बनाया है? ये मैप जो है ये बनाया है वायरस X728 ने। इसका टेक्सचर भी है वो भी इसी ने बनाया है। तो अब हम इसकी छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे जो कि इसके अंदर होगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या लिखा है ये पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ स्मॉल कैसल वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ पीपल गोइंग इनटू द कैसल नेवर टू बी सीन अगेन। ओ, यू वर हायर टू इन्वेस्टिगेट द कैसल इन सर्च फॉर द मिसिंग पीपल एंड सीक फॉर द ट्रूथ। अभी तुझे हम ही मिले थे इस कैसल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इधर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है सम से देयर इज अ हॉन्टेड माइन शाफ्ट नियर द स्मॉल कैसल। ओहो, यहाँ पे तो हॉन्टेड माइन शाफ्ट भी है कैसल के पास। ओ तेरी। और यहाँ पे हमें केक दिया गया है, लेकिन यहाँ पे केक खाया नहीं जा रहा, तो हम चलते हैं बाहर। और बाहर यहाँ पे एक और है, यहाँ पे रूल्स वगैरह भी पहले एक दफा पढ़ लेते हैं। अरे जा अंदर। अच्छा जी, तो इसके रूल्स वगैरह हैं। नो ब्रेकिंग ब्लॉक्स, नो चीटिंग, साउंड एट मैक्स बट म्यूजिक टर्न्ड ऑफ, रेंडर डिस्टेंस एट 6 chunks, इफ यू कांट सेट इट ऑन 6 chunks सेट इट एट द लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग, गो टू द वीडियो सेटिंग्स एंड सेलेक्ट हाइड पेपर डॉल, यूज हेडफोन्स फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस, हैव फन। तो भी हमने यहाँ पे तीनों रूम्स देख लिए हैं, सारा कुछ हमने कर लिया और अब चलते हैं प्ले की तरफ। और यहाँ पे लिखा है क्लिक बटन टू प्ले और नीचे एक वार्निंग दी गई है, दिस मैप कंटेंस जंप स्केयर्स एंड। एंड के बाद तो इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। तो इसका मतलब है ये मैप कुछ ज्यादा ही ड्रोना होने जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने वार्निंग दी हुई है। तो चलिए प्ले का बटन दबाते हैं और देखते हैं ये मैप कैसा है। अभी हमारे सामने एक अंधेरा सा है और ये क्या लिखा हुआ है? एस्केप फ्रॉम दी माइंड। और यहाँ पे क्रिएटर लिखा हुआ है। और यहाँ पे है वो कासल जिसके अंदर लोग जाके गुम हो जाते हैं और हमें जाके इसको करना है इन्वेस्टिगेट। आसपास हमारे पूरा हमारे पीछे क्या है? इतने दरख्त, बहुत ही घना सा फॉरेस्ट है। शाम होने वाली है, तो इससे पहले कि अंधेरा हो जाए तो हम चलते हैं कासल के अंदर। और यहाँ पे सीढ़ियाँ में चलते हैं ऊपर और यहाँ पे चलते हैं अंदर। ओए ये क्या हो गया? अबे तेरी, किसने ब्लाइंड कर दिया हमें? ये हम कहाँ पे आ गए? ओ तेरी, ये हम कहाँ पे आ गए? Where am I? Look like I will to escape through the toilet. अबे टॉयलेट से escape करना पड़ेगा, but I have to make a water breathing potion first. हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा अपना water breathing का potion। और यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें इसके लिए चीज़ें चाहिए होंगी। तो चीज़ें सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे हमें पफर फिश भी मिल गई जिससे हम बना सकेंगे अपना वाटर ब्रीथिंग का पोशन, और इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें दिया गया है कुछ खाना, खाना ले लेते हैं, खाना काफ़ी ज़रूरी है। वो नीचे पोशन के लिए बोतल भी है। पोशन के लिए हमें यहाँ पे गिलास भी मिल चुके हैं और हमें यहाँ पे सब कुछ मिल गया। मैं यहाँ पे सब कुछ पहले ले लेता हूँ, उसके बाद हमें चाहिए होगा पानी में। हाँ, ये पानी हमें मिल चुका है यहाँ से, तो हमें यहाँ से पानी भी मिल चुका है। और अब हम बनाते हैं अपना पोशन। पोशन बनाने के लिए पहले हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे ऑकवर्ड पोशन। A few moments later. वाकई में ये बड़ा ऑकवर्ड है। जब तक हमारा पोशन बन रहा है तब तक हम इधर उधर जरा देख लेते हैं ये क्या है। मुझे तो लगता है यहाँ पे पोशन हमारा बना हुआ है। फाइंड द ब्रिक विद गोल्ड, इसका मतलब हमें ऐसी सी और भी ढूंढनी पड़ेगी। यू नीड दिस नाइट विजन। अच्छा, ये नाइट विजन का पोशन है ताकि हम दोबारा से ब्लाइंड ना हो जाएं। वैसे मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि हम एकदम से इधर आए कैसे थे। ये तो खैर मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि हमारे सामने एकदम अंधेरा हो गया था और हमारा यहाँ पे पोशन हो चुका है तैयार।
मुझे एक चेस्ट नज़र आई थी, इसके अंदर भी देख लेते हैं क्या है। इसके अंदर भी एक किताब पड़ी है, ये भी देख लेते हैं। ये पोशन की रेसिपीज़ हैं, है ना? हाँ, इसमें लिखा हुआ है, इसमें सर हमारे पास पोशन की रेसिपीज़ हैं यहाँ पे। हाँ, सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमने गेम को इतना खेल खेल के हमने आप ही बनाने सीख लिया है। बुक आगे जाके हमारे काम आएगी, तो इसको साइड पर रख लेते हैं। और हमारा यहाँ पे पोशन भी तैयार हो चुका है। तभी हमारा यहाँ पे 3 मिनट का वाटर ब्रीथिंग का पोशन हुआ है, और महल इसके नीचे है हमारा टॉयलेट, और यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, कोई और जगह नहीं है, हमें पानी में सांस लेना होगा। और चलते हैं इसके अंदर, कहाँ पे जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर, और ये बहुत ही महल लंबा सा कोई रास्ता है, और यहाँ पे एक मोड़ आ गया, हम यहाँ पे मुड़ गए, उसके बाद इधर भी मुड़ गए। यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे दो रास्ते हैं, लेकिन आगे चल के देखते हैं आगे क्या है। ओ, ये तो बंद है, लेकिन वापस चल के देखते हैं। वापस यहाँ इधर ही आना था, इधर वाले रास्ते पे मुड़ जाते हैं। यहाँ पे तो यही वही वाला रास्ता होगा जो बंद था आगे से, इसलिए हम इधर चलते हैं। और जी हाँ, हम बाहर आ चुके हैं, फाइनली हम ऊपर आ गए हैं। तो ऊपर तो नाले बह रहे हैं, और यहाँ पे ये जगह कौन सी है, हम किसी और जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे बुक्स वगैरह, और यहाँ पे एक स्केलेटन का स्कल भी पड़ा यहाँ पे है। वो इस तिजोरी में क्या हो, हमें एमराल्ड्स मिले हैं। और यहाँ पे है की, हमें यहाँ पे की लगानी है। यहाँ पे ऊपर चल के देखते हैं। वो ये मुझे लग रही है ये महल बादशाह की सीट है, यहाँ पे बादशाह आके बैठता होगा। मैंने भी यहाँ पे एक लीवर सा भी देखा था, इस लीवर को दबा के देखते हैं लीवर में क्या है। वो ये फिर से हम यार वही हो गए, मुझे लग रहा है मुझे अपना वाटर ब्रीथिंग का पोशन पी लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अंधेरा क्यों हो गया है ना। हाँ, मुझे लगता है यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई ना कोई तो जरूर है, लेकिन हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आगे जाके। ये दरवाजा इधर से तो ये खुल गया था दरवाजा, वो ये क्या था, ये कौन था। मुझे लगता है हीरो ब्राइन तो नहीं। वो यार, मुझे लगता है ये कैसल हीरो ब्राइन का, और तभी यहाँ पे लोग आके खुद ब खुद ही घूम जाते हैं। वो तेरी, हमें जाना पड़ेगा आगे यार, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। यहाँ पे हीरो ब्राइन अगर आ गया ये तो हमें मार देगा। मुझे उसकी शक्ल देखनी है, मैंने तो बस उसको थोड़ा सा देखा था, वो तो नज़र ही नहीं आया। फिलहाल उसने हमें ब्लाइंड कर दिया ताकि हम कुछ देख ना सकें। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, रन। यहाँ पे हम कहाँ भागे, कोई मार रहा है। ओए भागो, मेरे से भागा क्यों नहीं जा रहा। ओए यार, भागा क्यों नहीं जा रहा। तो उसने हमारी टांगे तोड़ी। ये क्या हुआ, ये क्या था, उसने हमारी आंखें हमें वापस दे दी हैं। तो अभी हमें इस दरवाजे के अंदर, ये कोर्टयार्ड का दरवाजा बंद है, ये खोलना पड़ेगा। यहाँ पे चल के देखते हैं। हाँ, मुझे लगता है इसके अंदर ही होगा कुछ। ये भी बंद है, ये खुला हुआ है। यहाँ पे चल के देखते हैं यहाँ पे क्या है। यार, इसने तो एकदम डरा दिया था। देयर इज अ होल इन द सीलिंग। ओह, यहाँ पे सीलिंग है, हमें यहाँ पे लैडर लेनी पड़ेगी। लैडर ढूंढने के लिए हमें यहाँ पे, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ओह, ये क्या लिखा है, She started into the king's white eyes and become a sapling. फिलहाल हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ ढूंढने के लिए ये क्या है, यहाँ पे भी कुछ है। यहाँ पे हमें मिल चुकी है थ्रोन रूम की, मेरा ख्याल उस रूम की मिल चुकी है। चल के देखते हैं। तो ये हमने ऑन कर दिया। ओह, यहाँ पे जस्ट मुझे लगता है इसमें, हाँ इसमें है ना, इसमें हमें मिल चुकी है लैडर, और लैडर जाके हम वहाँ पे लगाते हैं। ऊपर चल के देखते हैं दोबारा ना हीरो ब्राइन आ जाए, हमें यहाँ पे फटाफट भागना होगा। चलिए, तो यहाँ पे हम अपना लगाते हैं सीढ़ियाँ। ऊपर एक रूम है, लेकिन उसका दरवाजा बंद हुआ हुआ है। तो अभी यहाँ पे एक सीढ़ियाँ सी हैं, इसके ऊपर चल के देखते हैं यहाँ पे क्या है। यार, यहाँ पे आगे एकदम हीरो ब्राइन ना आ जाए। यहाँ पे बहुत ज्यादा दरवाजे हैं जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा भी हुआ है। इस सारे सेल हैं, सेल नंबर 9, सेल नंबर 8। आगे चल के हमें देखना पड़ेगा, नीचे उतरना होगा। नीचे उतर के देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे भी सेल्स ही हैं, इस सब के सब पहले देखना पड़ेगा, इनमें कुछ ना कुछ होगा ये। लेकिन सारे के सारे मुझे लग रहा है ये सब बंद हैं। ये मेरे सामने क्या आया था, यहाँ से तो हम आए थे। इधर एक चेस्ट भी है। हाँ, ये इस चेस्ट में क्या लिखा हुआ है, फाइंड मी। चलो, अब तू कौन है जिसको हमें फाइंड करना होगा, हमें ढूंढना पड़ेगा उसको। यार, कहाँ पे जाना पड़ेगा, फाइंड मी हमें कहाँ जाना। सीढ़ियों के नीचे तो नहीं कुछ। यहाँ पे एक और वही वाली दीवार है उसके नीचे, इसके अंदर भी लिखा हुआ है सेल 13 की है ये। तो ये ऊपर ही थी, तो अभी इसके अंदर क्या होगा। ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया, नहीं यहाँ से ही तो हम आए थे। ये 12 है और ये है 13, यहाँ पे लगाते हैं की। और ये हमारा दरवाजा खुल चुका है, और इसके अंदर कमरा है, और इसके अंदर एक पेपर सा है, इसके ऊपर लिखा है मीट मी आउटसाइड। अच्छा, तो मुझे लगता है हीरो इब्राहिम ने हमें बुलाया है ना। मेरा ख्याल है हीरो इब्राहिम चाह रहा है कि हम उसको बाहर आके मिलें। तो चलिए हम उसको चल के मिलते हैं बाहर, यहाँ से नहीं।
ये तो हीरो इब्राहिम है, ये कुछ कहेगा तो नहीं? हीरो इब्राहिम नहीं है, ये हीरो इब्राहिम है। वैसे हम हीरो इब्राहिम को प्यार से हीरो इब्राहिम भी कहते हैं। और यहाँ पे इसने हीरो इब्राहिम ने हमें यहाँ पे चेस्ट दी है, चेस्ट में लिखा है मीट मी इन द टावर। अब हमें टावर पे जाना पड़ेगा। अब ये कहाँ होगा टावर? यहाँ पे खुद ही दरवाजा खुल गया, यही है द पाथ ऑफ द टावर। हाँ सच। अबे यार, अब ये हीरो ब्रायन हमसे छत पे मिलके क्या करेगा? दोस्तों हीरो ब्रायन के लिए वीडियो को यार एक लाइक जरूर करो, मुझे लगता है इसके अंदर जाना पड़ेगा हमें। ऊपर से शाम हो रही है। हाँ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे एक दरवाजा है जिसे हमें खोलना होगा अभी। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कहीं इसके पीछे भी ना। वही, इसके अंदर एक और दरवाजा है, इसको भी कोई ये हमारे मुंह पे आ गया था। यार इसने डरा दिया एकदम। इधर भी एक तिजोरी है, इसको खोल के देख लेते हैं, जिसके अंदर एक लीवर है और साथ में एक चिट्ठी है। मीट मी इन द कोर्टयार्ड। अब हमें मिलना पड़ेगा हीरो ब्रांड को कोर्टयार्ड में, और कोर्टयार्ड कहाँ पे है ये मुझे पता नहीं। हमें यहाँ से छलांग लगानी होगी। यहाँ पे लिखा रहा है रन, क्यों क्या हुआ? तेरी, ये पीछे कौन आ रहा है? ये पीछे कौन आ रहा था? हीरो ब्रायन को आग लगी थी, मैं हाल आग लगा हुआ हीरो ब्रायन आ रहा है, हमें भागना पड़ेगा। हीरो ब्रायन को आग लगी है, मैं इसके फटाफट पीछे जाके दरवाजा बंद कर देता हूँ ताकि वो अंदर ना आए। अरे वो हीरो ब्रायन है। दरवाजा, ओहो मेरी कही कहाँ लग उतर गई। अब काउट यार्ड कहाँ पे हमें मिलेगा? काउट यार्ड मेरा ख्याल में यहाँ पे कहीं पे जाके देखना पड़ेगा। कोर्ट यार्ड का मेरा ख्याल में नीचे था, यही है। ये रहा कोर्टयार्ड का दरवाजा, और यहाँ पे ये खुद ब खुद ही खुल चुका है, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस की। इधर लगानी है की, और ये क्या है? रस्सियां सी। यहाँ पे हम आ चुके हैं किसी और जगह पे, और यहाँ पे एक लीवर है, यहाँ पे लीवर ऑन करके देखते हैं। ये तो लाइटें ऑन हो गई हैं ना, लाइटें वगैरह ऑन हो चुकी हैं। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे लिखा हुआ है की, हमें यहाँ पे लगानी है की ताकि ये दरवाजा खुले और हम बाहर जाएं। और यहाँ पे एक चेस्ट भी है, इस चेस्ट में देख लेते हैं क्या है। और यहाँ पे हमें मिल रहा है वाटर ब्रीथिंग का पोशन। इसका मतलब कि हमें इसके अंदर में हालत जाना है, डुबकी लगानी है। मुझे लग रहा है हमें इसके अंदर जाना है, लेकिन इसके अंदर जाने से पहले मेरे पास जो यहाँ पे खाली बोतल है मैं इनको भर लेता हूँ ताकि हमारे पोशन वगैरह बनाने में आगे भी और आसानी हो। तो फिलहाल तो यहाँ पे दरवाजा ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे दरवाजा वो मुझे नजर आ रहा है, हल्का हल्का सा वो मुझे नजर आ रहा है। और यहाँ पे पीते हैं अपना वाटर ब्रीथिंग का पोशन और चलते हैं इसके अंदर। लेकिन ये नीचे क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे हम आ चुके हैं इसके अंदर, और यहाँ पे एक चेस्ट है, और यहाँ पे हमें चेस्ट खुल चुकी है, और चेस्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे आई गॉट यू नाउ। हैं ये क्या? चलते हैं वापस। निकल गए। ओए ये तो हम कहीं और ही आ गए हैं, ये ऊपर वाली जगह तो नहीं है वैसी सी। ये क्या हो रहा है? ये हमारे यहाँ पे पावर वाटर ब्रीथिंग का यहाँ पोर्शन खत्म हो रहा है, लेकिन ये हम यहाँ कहाँ पे आ गए हैं? ओह तेरी, मुझे लगता है हीरो की एंट्री होने वाली है। मुझे तो यहाँ पे फिलहाल बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गो बैक। इतनी मुश्किल से इधर तक आए हैं तो अब हमें वापस जाना है यार। ये क्या? यहाँ पे अभी पानी था, सब कुछ बदल गया, और यहाँ पे एकदम दरवाजा आ गया। और ये दरवाजा, ये क्या है? ये तो मैं ये हम किसी, ये कैसी जगह है? यहाँ पे क्या, यहाँ पे शोकर बॉक्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे क्या है? पेपर पड़े हैं खाली, यहाँ पे शुगर ले लेते हैं, शुगर हमारे काम आ सकती है। तो मेरा सारा सामान कहाँ गया? हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमें की मिली है, चाबी है, ये हमारे आगे जाके किसी काम आएगी, यहाँ पे काम यहां आएगी, ये हमारे चाबी, इसको लगाने वाले हम। रेड कारपेट हमारे लिए यहाँ पे, इन्होंने रेड कारपेट बिछा कर रखा। और सामने ही हमारे है हीरो ब्रायन की तस्वीर, और यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है हीरो ब्रायन। और ये क्या हो गया? यहाँ पे एकदम से अंधेरा हो चुका है, और यहाँ पे एक एक करके दरवाजे बंद हो रहे हैं। ओए यहाँ पे तो सब कुछ बंद हो गया। और हीरो ब्रायन हाउ लॉन्ग विल यू, ओए ये क्या हो गया? हाउ लॉन्ग विल यू लास्ट अनटिल यू लूज योर सैनिटी। यहाँ पे हमें सीढ़ियाँ एकदम अचानक से खुद ब खुद ही नजर आ चुकी हैं। अंधेरा भी काफी है यार। ये क्या है अंडा? मैं दरवाजा बंद कर दूं ताकि पीछे से कोई आ ना जाए। और यहाँ पे हमें मिल रहा है एक एग है, ये मेरा ड्रैगन का एग है। नहीं, ड्रैगन का एग कहाँ गया? ले लिया मेरा ख्याल हमने।
नहीं हमारे पास तो नहीं आया, मुझे लगता है मैं वही दरवाजे में जाना है। ये क्या था? ये ड्रैगन आ गया। यहाँ पे भी आ गया, पीछे तो नहीं? नहीं नहीं पीछे कुछ नहीं है। मैं हाल इस ड्रैगन के पार तो नहीं जाना उधर? नहीं ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमें डराने के लिए रखा हुआ था। और यहाँ पे एकदम सब कुछ दोबारा से चेंज हो गया, अभी तो यहाँ पे सीढ़ियाँ थी। कुछ ना कुछ मामला खराब तो ज़रूर है यहाँ पे। अब ये क्या चीज़ है यार, वो इतना अंधेरा और हमें नीचे होना है। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कहाँ पे जाना है। वो ये क्या, एकदम एरोप्लेन आया। और ये कि हम यहाँ पे एकदम अंधेरे में से निकल के हम वापस आ चुके हैं बाहर, और यहाँ पे एक और दरवाज़ा है। और यहाँ पे ये क्या पड़ा हुआ है सारा कुछ, और यहाँ पे लिखा रहा है ये मेरी बेसमेंट तो नहीं? यहाँ पे यार ये सारा क्या जादू टोना सा रखा हुआ है, सारा कुछ यहाँ ये जादू की चीज़ें हैं। यहाँ पे दरवाज़ा है और दरवाजे के बाहर यहाँ पे सीढ़ियाँ नज़र आ गई। दरवाजे के बाद ये क्या है? यहाँ पे लिखा रहा है आई एम बैक इन माई ओन हाउस, हम यहाँ पे अपने ही घर में वापस आ चुके हैं। तो फायदा क्या हुआ हमें इतनी दूर जाने का? तो फिलहाल तो दोस्तों हम अपने घर आ चुके हैं और यहाँ पे हम फिलहाल बैठ के करते हैं थोड़ा सा आराम। और इसी के साथ साथ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।